अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नमाज के बाद एक ऐसी तस्बीह जिसको उंगलियों पर पढ़ा जाता है, और उसके पढ़ने का सबाब क्या है और उंगलियों पर नमाज के बाद क्या पढ़ा जाता है, आज के इस वीडियो क्लिप में हम इसी बारे में जानेंगे। अगर चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं अपने घर स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं इस वक्त बरेली शहर में हूँ आया हुआ, तो इस वजह से ना स्टैंड वगैरह कुछ, इसी हिसाब से वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। चलिए खैर जानते हैं कि नमाज के बाद उंगलियों पर क्या पढ़ा जाता है। तो नमाज के बाद उंगलियों पर सबसे पहले जब नमाज हम पढ़ते हैं, और नमाज के बाद हम पहली मरतबा पढ़ेंगे 33 मरतबा हमें पढ़ना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद 33 मरतबा हमें पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा पढ़ना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो ये इसको तस्बीह फातिमा भी कहते हैं, इस नाम से भी ये मशहूर है, और इसके बारे में हदीस पाक में आया है कि जो बंदा इसको नमाज के बाद इस तरीके से पढ़ेगा, नमाज के बाद जो 33 मरतबा सुभान अल्लाह 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा, तो उसको जो है ओहद पहाड़ जितना सोना खैरात करने सदका करने का सवाब मिलेगा। यानी एक ओहद का पहाड़ है, जो आपने सुना होगा जंगे बदर जंगे ओहद के बारे में भी सुना होगा, ओहद एक पहाड़ है जो बहुत बड़ा है, और उसी पहाड़ का जिक्र बारहा अहदीस करीमा के अंदर आया है, उसी पहाड़ के बारे में बारहा आपने सुना होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई नमाज के बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहता है, तो उसको ओहद पहाड़ खैरात करने जितना सवाब मिलेगा। तो ये सोचें कि कितना बड़ा सवाब है और कितनी आसान तस्बीह है, आप नमाज के बाद इसको पढ़ सकते हैं बआसानी। और अक्सर लोग ये पूछ रहे थे कि नमाज के बाद उंगलियों पर क्या पढ़ा जाता है और क्या पढ़ना चाहिए, तो नमाज के बाद उंगलियों पर यही तस्बीह पढ़ी जाती है और इसको ही पढ़ना चाहिए। वैसे तो और भी तस्बीह हैं और आदो वज़ाइफ और भी हैं और भी शिक्र अस्कार हैं, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी फजीलत है और आसान भी है, हर कोई बंदा आराम से पढ़ सकता है बआसानी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लिहाजा इसको शेयर कर दीजिएगा, दूसरों तक ज़रूर भेजिएगा, ताकि हमारे जो भाई बहन अभी तक इस चीज़ को नहीं जानते थे वो इसको जान लें समझ लें, और फिर जो है इसको अपनी आदत में शामिल कर लें और हर नमाज के बाद इसको पढ़ना शुरू कर दें। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।